can see Love Bites 2. I'm so excited क्योंकि हिंदी में बोलूँ चलेगा ना. तो पहला जो सीज़न आया था 2 साल हो गए उसे और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे लगा कि हम सेकेंड सीज़न पहले भी थोड़ा जल्दी लेके आ सकते थे. लेकिन जब मैंने प्रोमोज देखे और जब इसका मैंने फुटेज देखा, आई थिंक इट्स कम आउट एट द राइट टाइम, क्योंकि अभी और अनन्या मैच्योर हो गए हैं, स्टोरी मैच्योर हो गई है, इसमें और एक्टर्स आ गए हैं टू हेल्प द रिलेशनशिप बिटवीन देम. वेब सीरीज़ है, बट आजकल वेब सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, सब देखते हैं. और मुझे जो फीडबैक सीजन 1 से मिला था वो बहुत होपफुल था, बहुत अच्छा था. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट सीजन 2. पूरा फॉर्मेट अलग है, सीजन 2 का फॉर्मेट ही अलग है. ये एक छोटे से घर में, एक छोटे से अपार्टमेंट में अभी और अनन्या के बारे में नहीं है. ये अब पूरा मतलब फिल्म बन गया है. आउटडोर चले गए हम और सारे वाइड शॉट्स हैं, बड़े बड़े बड़ा बड़ा सेटअप है इसका और इसमें और कैरेक्टर्स आ गए हैं. बट येस, द कैरेक्टर्स ऑफ अभिषेक एंड अनन्या आर स्टिल द सेम. दे लव ईच अदर, लेकिन वो अब इस मुकाम तक पहुंच गए हैं जो उनके बीच में जो रीज़न है टकरार का वो आपको दिखाई देगा. और कैसे इस सीज़न में वो लोग शायद आपस में जुड़ जाते हैं या नहीं, दिस इज़ समथिंग यू गॉट टू वॉच. बट बहुत रियल है ये मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट सीजन में क्या थे, एक लिव इन रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते थे. अब क्या हो गया, आपने वो देख लिया, अभिषेक और अनन्या के बारे में जो प्रॉब्लम्स थे वो देख लिया आपने. अब उनकी लाइफ में जो लास्ट एपिसोड था वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अभी को पता नहीं होता कि शी इज़ प्रेग्नेंट. अब स्टोरी कहाँ चले जाती है, अभी की लाइफ अलग, उसकी लाइफ अलग, और कैसे ये दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, क्या अभी को पता चलता है कि वो पेट से है, वो यू नो प्रेग्नेंट है, उसके बाद क्या होता है और फाइनली एंड में क्या होता है. सो इट्स फैंस को, अरे प्लीज़ वॉच द शो, क्योंकि आपने जो प्यार सीजन 1 के लिए दिया था, दिस इज़ अ कंटिन्यूटी. चेंज हुआ है लेकिन सिर्फ बड़ा हुआ है पूरा. सो आई थिंक यू विल एन्जॉय इट. और 2 साल में हज़ारों वेब सीरीज़ आए हैं, लेकिन अभी और अनन्या की कहानी लव बाइट्स 2 की फिर भी सिंपल ही है और आई थिंक इट्स अ क्लासिक जो आप हमेशा देख सकते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. तो अनन्या जो है वो एक बहुत ही प्यारी लड़की है जो प्यार में बहुत विश्वास करती है और वो पुराने ज़माने के ख्यालात से है, जहाँ पर कि आप लड़की को फूल देते हैं या उसको ठंड लगती है तो उसको एक जैकेट देते हैं, वो इस टाइप की है. तो सीज़न 1 में उसको ऐसे दिखाया गया था, बट वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसको छोड़ के चले गया था, तो वो बहुत अपसेट थी क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी. और सीज़न 2 में हमने एक बहुत ही प्यारे तरीके से ये स्टोरी को जो है आगे लेके गए हैं हम लोग. बहुत ही स्वीट स्टोरी है वो, आपको देखेगा अपने लिए बहुत ज़्यादा. सो जो फर्स्ट सीज़न था और सेकंड सीज़न था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो फर्स्ट सीज़न में हम लोग एक तो एक घर के अंदर थे बिकॉज वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में था और हम लोग का पूरा सीज़न एक घर के अंदर था और हम लोग सिर्फ 2 लोग थे. मैं थी और कुशाल था, हम 2 लोग थे. और सेकंड सीज़न में हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, ऐसे काफ़ी लोग ऐड हुए हैं. और हम लोगों ने क्या, हम लोगों को रिस्पॉन्ड मिला था कि पहले सीज़न में हम लोग एक बहुत मतलब बंद था सीन, यू नो, पूरा घर के अंदर था. तो हम लोग इस बार ही बाहर गए हैं, घर से बाहर गए हैं, आउटडोर गए हैं और हमने इस प्रकार के काफ़ी एडिशन्स करे जो हमारे फैंस जो हैं उनको वो पसंद आएगा, यू नो, ये एडिशन्स पसंद आएंगे. बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड रोमांस सेकंड सीजन इज वे बिगर बिकॉज बहुत इमोशंस है. मैं तो पूरे सीजन में रो रही हूँ. मैं रोती रहती हूँ. एज सुखमनी सडाना मैं रोमांस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है इस दुनिया में प्यार से ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ है ही नहीं. और मुझे लगता है कि गुड लुक्स या पैसा या ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, बट अगर आपको कोई इतना स्पेशल फील करा सकता है, इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है. इफ़ यू आस्क मी द रियल डेफिनेशन ऑफ लव इज़ व्हेन, मैं आपको दिल से बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको, मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट वगैरह, हॉलीडेज या कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, पर अगर आप किसी को देख सकते हैं आँखों में और आपको लगता है कि हाय रिचार्ज, दिल रिचार्ज हो गया, मतलब अब मैं एक हफ्ते के लिए सर्वाइव कर सकती हूँ क्योंकि मतलब इतना अच्छा फीलिंग हुआ. मैं बहुत रोमांटिक हूँ बहुत, तो मेरे लिए वो आज के ज़माने में 2017 में शायद ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट आई एम श्योर होता रहेगा. सो सेकेंड सीजन इज़ USP इज़ यू नो इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस बिकॉज हम लाइफ में इतने ग्रजेस रखते हैं और हम लोग दिल में इतनी बातें रखते हैं
और हम लोग फॉरगिव नहीं कर सकते लोगों को. सो अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं एंड इफ़ यू रियली वांट देम इन योर लाइफ देन यू जस्ट हैव टू लर्न टू फॉरगिव. एंड द सेकंड सीज़न इज़ ऑल अबाउट मेरे फैंस को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे सुनती आ रही हूँ कि लव बाइट सीज़न वन था और हम मिस कर रहे हैं और यू नो इतने सीरियस नोट पे वो शो ख़त्म हो गया था बिकॉज मैं प्रेगनेंट थी और मेरे लिविंग रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, वो चले गया. सो पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या होता है. सो प्लीज़ ऑल माई फैंस एंड ऑल ऑफ अभी फैंस वॉच आर शो बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस सीज़न में. और अगर आप प्यार में विश्वास करते हैं वी प्रॉमिस यू कि इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू एट ऑल. वेल यू नो दोनों अलग अपनी जगह में अलग माहिर हैं. रोमांस में अगर बाइट मिल जाए तो बहुत खूब. मैं बहुत रोमांटिक हूँ, मेरा मेरी ज़िंदगी पूरी रोमांस है. आई थिंक दुनिया में ज़्यादा प्यार अगर लोगों को दिया जाए तो बेहतर होगा. बाइट देखे नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप होगा. पहला स्टेप होगा आप अगर प्यार वापस दें तब हम सोचेंगे अगर आपको बाइट दे या नहीं. एक्चुअली मैं नर्वस फील करती अगर डायरेक्टर जो थे और जो प्रोड्यूसर थे मेरे मित्र नहीं थे. विशाल जो डायरेक्टर हैं शो के, मैं उनके साथ दो साल पहले काम कर चुकी थी. NDTV प्राइम का एक शो था टिकट टू बॉलीवुड, उस पर मैंने शो होस्ट किया था और काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी. और इतना था कि मैं उन पर भरोसा था मुझे कि चीप टाइप का या ख़राब टाइप का नहीं दिखा पाए. और आज मैं देख रही हूँ शो को तो बहुत अच्छा दिखाया है. हालांकि मैं अपने माँ बाप को ये लिंक नहीं देने वाली हूँ बट बहुत थे. मेरा दूसरा शो भी चल रहा है अमेजॉन प्राइम के साथ, वहाँ से भी काफ़ी दोस्त आए हुए थे. वहाँ पे मैं गा रही हूँ, यहाँ पे एक्टिंग कर रही हूँ, तो उनको काफ़ी दिलचस्प लगा पूरा माहौल. बट या शूट करते हुए काफ़ी मज़ा आया एंड बिकॉज मैं जानती थी डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को, काफ़ी भरोसा था उन पर. फिल्मी दुनिया में मैं ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी, निर्देशन भी करना चाहूँगी. पिछली फिल्म जो रिलीज़ हुई थी भाग जॉनी, जिसपे विलन का रोल किया था, जो काम आता है जो भगवान की कृपा से आता मैं करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो करती हूँ. एंड आई एम होपिंग कि और बहुत काम मिले. मानसी एक माँ है 10 साल के बच्चे की, अकेली माँ है. बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो भी भगवान ने दिए हैं टैलेंट्स उनको पूरी तरह से सराहना चाहूँगी एंड आई होप आई कैन डू राइट बाय एवरीबॉडी. लव बाइट सीज़न 1 के फैंस को कहना चाहूँगी कि लव बाइट सीज़न 2 ज़रूर देखें, क्योंकि ये ना सिर्फ अभी और अनन्या की कहानी है बट सोनिया भी इस कहानी में है. सो ज़रूर देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा, उसे प्यार दीजिएगा. इट विल मीन अ लॉट. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पूरी टीम बहुत अच्छी है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, विशाल, कुकी, को एक्टर्स, यू नो बहुत लोगों के साथ पहले काम कर चुका हूँ. एंड जब सेट पे कम्फर्ट हो, रिलैक्सेशन हो, हम एक्टर्स एंड क्रिएटिव लोग हैं तो कंफर्ट हो तो उससे ही हम काम अच्छा कर सकते हैं, हमारा काम अच्छा आता है. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड जो रिजल्ट आप लोगों ने भी देखा इट वाज स्पेक्टेकुलर. आई थिंक ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगेगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद दिस होल टीम अगेन. देखिए फर्स्ट सीजन, आई थिंक सेकेंड सीजन और भी अच्छा होगा क्योंकि उसमें मैं हूँ. बट नहीं, जोकिंग, बट आई थिंक फर्स्ट सीजन था, सेकेंड कल्मिनेशन था उसका, यू नो कैसे स्टोरी एडवांस हुई है. एंड सेकेंड सीजन बहुत ही अच्छा है, मैंने दोनों सीजन देखे हैं, सेकेंड सीजन और भी अच्छा है. USP आई थिंक जो वो एक्टर्स की केमिस्ट्री है, सब एक्टर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं. यू नो जो तरीके से दे कम टुगेदर, जो डायरेक्टर का यू नो एडिटिंग है, डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छा है. और ये म्यूजिक, यू नो ये बैकग्राउंड इफेक्ट से हम डांस भी कर सकते हैं एज स्टोरी के हिसाब से, आई मीन एक्टिंग के हिसाब से, या डिपेंड करता है कौन सामने है, यू नो उस पर डिपेंड करता है कम्प्लीटली. सीजन 2 के जरिए गाइज आप लोग देखेंगे, आप लोग वक्त निकालते हैं शो के लिए, ट्रस्ट मी आप रिग्रेट नहीं करेंगे. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. यू नो मैं भी व्यूअर हूँ, मैं भी बहुत शोज देखता हूँ, तो मैं ऐसा शो देखना चाहता हूँ जिससे यू नो मेरा टाइम ज़ाया ना हो, मैं इन्जॉय करूँ. एंड ये शो ऐसा ही शो है, वॉच इट, इन्जॉय इट एंड यू वोंट रिग्रेट इट. लव यू. थैंक यू.